हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माय एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो फोकस करेंगे भारत के एयरपोर्ट्स और फोर्ट्स को लेकर। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट भारत के किस शहर में है या किस स्टेट में है, और ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये किला या ये फोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि इन टॉपिक्स पर रोशनी डालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सिचुएटेड, कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी बिहार। तो सवाल है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहां स्थित है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात या बिहार। और इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेयर इज गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। तो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो दोस्तों गया एयरपोर्ट जो सिचुएटेड है उसका आपको जवाब देना है झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट सही जवाब है बिहार। तो गया एयरपोर्ट जो है वो बिहार में स्थित है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल है, वेयर इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल है तीसरा, वेयर इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव या फिर लक्षद्वीप। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुरेंद्र जी, योगेश जी, हरकिरण जी, विजय जी और रणकश्यप जी, सूरज कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। तो यहां आंसर आया है बी अंडमान निकोबार। ज्यादातर लोग कह रहे हैं अंडमान निकोबार इसका सही जवाब है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वेयर इज डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट सिचुएटेड। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के बारे में बताइए कि वो कहां पर स्थित है, नागालैंड, असम, मिजोरम या मणिपुर। तो दोस्तों डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट नागालैंड, असम, मिजोरम या मणिपुर। पारस जी ने कहा है बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस के लिए, तो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस बहुत जल्द लगेंगी। कुमार सर बैंकिंग की क्लासेस लेंगे आपके लिए। तो यहां पर डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, तो आंसर आ रहा है इसका ज्यादातर लोगों ने जैसा कहा असम। तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, असम। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज दीमापुर एयरपोर्ट सिचुएटेड। तो दीमापुर एयरपोर्ट आप बताएं कहां पर सिचुएटेड है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, दीमापुर एयरपोर्ट बताइए दोस्तों कहां स्थित है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। दीमापुर एयरपोर्ट बताएं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो विजय भौमिक जी ने कहा कि इज फ्रॉम असम, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप असम से हैं। वेयर इज दीमापुर एयरपोर्ट सिचुएटेड। तो यहां पर आंसर आ रहा है नागालैंड कहा है ज्यादातर लोगों ने, कुछ लोग डी ऑप्शन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब है नागालैंड। तो दीमापुर एयरपोर्ट हमारा सिचुएटेड है नागालैंड में। आगे बढ़ेंगे छठे सवाल की तरफ।
वेयर इज मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? तो मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, केरला, तमिलनाडु, गोवा या आंध्र प्रदेश? केरला, तमिलनाडु, गोवा या आंध्र प्रदेश? विजय शंकर जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बिहार, आपको भी बहुत बहुत बधाई। वेयर इज मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? तो यहां आंसर आ रहा है, सूरज जी ने कहा बी तमिलनाडु, उसके बाद आंसर ज्यादातर लोग कह रहे हैं बी, तो देखते हैं बिल्कुल सही जवाब है या नहीं। तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर, मदुराई नाम से ही पता चल रहा है। अगला सवाल है, वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? तो आप बताएं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, भोपाल, कोयंबटूर, कोलकाता या नागपुर? वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड, भोपाल, कोयंबटूर, कोलकाता या नागपुर? तो यहां पर लोग कह रहे हैं कि मैं बंगाल से हूं, मैं आगरा से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं असम से हूं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा माई नेम इज डॉक्टर दीपक यादव एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। तो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, इसका सही जवाब दिया है कई लोगों ने कोलकाता, तो कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, हैदराबाद, गांधीनगर, रायपुर, अहमदाबाद? हैदराबाद, गांधीनगर, रायपुर और अहमदाबाद? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों बताएं कहां पर है। तो इसका सही जवाब आ गया है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अहमदाबाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताएं दोस्तों कहां पर है, पुणे, पुरी, रांची या नागपुर? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुणे, पुरी, रांची या फिर नागपुर? तो ऑप्शन यहां पर आ रहा है डी, ऑप्शन ए भी आ रहा है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं ए कि ये एयरपोर्ट पुणे में है, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ज्यादातर लोगों ने कहा ऑप्शन ए, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागपुर। तो बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर इज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो कहां पर है दोस्तों, रांची, अहमदाबाद, पटना या पुरी? तो क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पर है, रांची, अहमदाबाद, पटना या फिर पुरी? तो यहां पर आंसर आया है, आशीष जी ने लिखा है ए, हरकिरण जी ने भी कहा ए, ज्यादातर लोग कह रहे हैं रांची, तो देखते हैं बिल्कुल सही जवाब है रांची, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो रांची में है, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दोस्तों आप बताएं कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहां पर है, पटना, लखनऊ, कानपुर या रांची? तो सवाल है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
पटना, लखनऊ, कानपुर या फिर रांची? तो यहां पर लोग कह रहे हैं बी लखनऊ, और ज्यादातर लोग बी के पक्ष में ही दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यहां पर सी ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सही जवाब है इसका लखनऊ। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लखनऊ में है। और दोस्तों साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो मैं अक्सर रिपीट करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस एयरपोर्ट को लेकर, फोर्ट्स को लेकर, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मैं एक लेक्चर ले चुका हूं पहले कि पर्टिकुलर ट्रॉफी या फिर ये अवार्ड किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी लगते हैं, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो हमें याद नहीं रहता है। तो ये बहुत ही सरल से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, और मैं आपको साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि आज 4 बजे हमारे स्पेशल सीरीज में मैं आज लेकर आऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि क्या रीजन था पहले विश्व युद्ध का। तो हम 4 बजे मिलेंगे एक और शो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? तो बताइए बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, भोपाल, मालाबार, द्वारका या भुवनेश्वर? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल, मालाबार, द्वारका या भुवनेश्वर? तो यहाँ ज्योति जी ने सही कहा कि यहां पर नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नाम लेने से एग्जाम क्लियर हो जाता तो मैं सबके नाम ले लेता। और संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर 12वें सवाल का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है भुवनेश्वर। तो देखते हैं सही है या गलत। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर। इसी के साथ हम आगे अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि पन्हाला फोर्ट इज लोकेटेड इन? तो पन्हाला किला जो है वो इनमें से किस स्टेट में है, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? दोस्तों अब अगला सवाल हमारे सामने आया है, एक नई कैटेगरी का सवाल जहां पर हम बात करेंगे फोर्ट की। तो बताइए पन्हाला फोर्ट जो है वो कहां स्थित है, बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या फिर उत्तर प्रदेश में? पन्हाला फोर्ट, तो 13वें सवाल का जवाब आप फटाफट से दीजिए, पन्हाला फोर्ट बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहां आंसर आया है बी, सी भी आंसर आ गया, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं यहां पर बी। आलोक कुमार जी ने कहा एन, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पर लोग कह रहे हैं सी, उड़ीसा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पन्हाला फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। तो हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। दोस्तों अगला सवाल है श्रीरंगपट्टनम फोर्ट इज लोकेटेड इन? श्रीरंगपट्टनम फोर्ट कहां पर स्थित है, केरला, राजस्थान, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? केरला, राजस्थान, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश, आप बताइए कि ये फोर्ट कहां पर स्थित है। तो श्रीरंगपट्टनम फोर्ट केरला, राजस्थान, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहां आंसर दे रहे हैं कर्नाटका, और ज्यादातर लोगों ने जैसा कहा कर्नाटका। तो नो डाउट कर्नाटका इज द राइट आंसर। तो श्रीरंगपट्टनम फोर्ट जो है वो कर्नाटका में स्थित है। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलेंगे, मेहरानगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो आप बताएं मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? मेहरानगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा?
तो यहां पर लोगों ने कहा है राजस्थान, विजय शंकर जी का खास तौर पर धन्यवाद। तो जैसा कि सभी लोगों ने कहा है मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान में है, तो कोई दो राय नहीं कि ये जवाब बिल्कुल सही है, राजस्थान इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कांगड़ा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बहुत ही सरल सा सवाल कि कांगड़ा फोर्ट जो है इनमें से किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। कांगड़ा फोर्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो अगला सवाल हम लेकर आ चुके हैं कांगड़ा फोर्ट, और दोस्तों बताएं ये कहां पर स्थित है। तो यहां कोई डाउट नहीं, ज्यादातर लोगों ने लिखा है ए, लेकिन कुछ लोग बी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा नाम सुनते ही हमें याद आ जाता है कि भाई ये तो कहां है, हिमाचल प्रदेश में, तो ऑफकोर्स वो फोर्ट भी कहां होगा, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, दौलताबाद फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बताएं कि दौलताबाद जो फोर्ट है वो इनमें से किस स्टेट में है, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या मेघालय। दौलताबाद फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मेघालय। तो यहां पर 17th का आंसर दिया है, ए भी आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, और यहां पर लड़ाई देखने को मिल रही है ऑप्शन ए और बी के बीच। संतोष जी ने कहा ए श्योर, लेकिन मैं आपको बता दूं दौलताबाद फोर्ट है महाराष्ट्र में, तो जितने लोगों ने कहा बी उनका जवाब बिल्कुल सही है, दौलताबाद फोर्ट है महाराष्ट्र में। अगला सवाल आपके सामने है, जयगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन, तो जयगढ़ फोर्ट कहां पर है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर भोपाल। जयगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर भोपाल। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 को लोग बी भी कह रहे हैं, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, तो सभी ऑप्शंस की तरफ लोग जा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भोपाल। लेकिन जितने लोगों ने आंसर दिया है इसका ए जयपुर, उनका जवाब बिल्कुल सही है, तो जयगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन जयपुर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट सिचुएटेड, तो आप बताएं कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, वाराणसी, भुवनेश्वर, गोवा या फिर कोची। वाराणसी, भुवनेश्वर, गोवा या फिर कोची, आप बताएं कि ये एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। रत्नेश जी ने कहा है कि हिंदी में क्वेश्चन दें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आपने रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये जो सवाल है हमारे हिंदी में बहुत जल्दी मिल जाएंगे, पीडीएफ आप इस पर ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको स्क्रीन पर जो सवाल हैं वो इंग्लिश में ही नजर आएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पर सिचुएटेड है, तो यहां पर सभी लोगों ने कहा है वाराणसी, तो उनका जवाब बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है वाराणसी। वेयर इज श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट सिचुएटेड, तो दोस्तों आप बताएं कि श्री गुरु गोविंद जी एयरपोर्ट कहां पर है, अमृतसर, चंडीगढ़, इंदौर या फिर नांदेड़। तो सवाल है श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट कहां पर है, अमृतसर, चंडीगढ़, इंदौर या फिर नांदेड़।
तो यहां आंसर आ रहा है ऑप्शन ए अमृतसर, लेकिन यहां पर एक जवाब डी भी आया है और ज्यादातर लोगों ने कहा है ऑप्शन ए, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा उनका जवाब बिल्कुल गलत है। गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, तो आप ज्यादातर लोग गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनकर अमृतसर पर उन्होंने ऑप्शन चुन लिया, लेकिन इसका सही जवाब है नांदेड़ महाराष्ट्र। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोविंदगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन, तो आप बताएं कि गोविंदगढ़ फोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, अजमेर, अमृतसर, पटना या फिर लखनऊ। अजमेर, अमृतसर, पटना या फिर लखनऊ। गोविंदगढ़ फोर्ट कहां पर स्थित है, अजमेर, अमृतसर, पटना या फिर लखनऊ। तो सवाल नंबर 21, गोविंदगढ़ फोर्ट। तो गोविंदगढ़ फोर्ट के लिए ज्यादातर लोगों ने कहा है बी, तो उसका जवाब बिल्कुल सही है। तो गोविंदगढ़ फोर्ट जो है वो अमृतसर में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पिथौरागढ़ फोर्ट। तो दोस्तों बताएं कि पिथौरागढ़ फोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। पिथौरागढ़ फोर्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, पिथौरागढ़ फोर्ट, 22 का बोला है सी लोगों ने राजस्थान, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी जवाब में है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा है सी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इसका सही जवाब है ए उत्तराखंड। तो पिथौरागढ़ फोर्ट जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे, पावगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन, तो पावगढ़ फोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो पावगढ़ फोर्ट आप बताएं कहां पर है, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो पावगढ़ फोर्ट आपके सामने 23वां सवाल है, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात या फिर उत्तराखंड। लोहिया जी का जवाब आ गया है सी लग रहा है, अब लोहिया जी को लग रहा है दिनेश सर को, तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। यहां पर सही जवाब है सी गुजरात। तो जितने लोगों ने भी कहा गुजरात उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला या फिर कर्नाटका। तो फोर्ट विलियम जो है वो इनमें से किस जगह पर है, राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है या फिर कर्नाटका में है। फोर्ट विलियम किस स्टेट में है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को इसका सही जवाब पता होगा, फोर्ट विलियम राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला या फिर कर्नाटका। तो यहां पर ज्यादातर लोग लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल, और फोर्ट विलियम बिल्कुल सही जवाब है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। और अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे दोस्तों, सही जवाब आ चुका है 24वें सवाल का, अगौड़ा फोर्ट इज लोकेटेड इन, तो आप बताएं कि अगौड़ा फोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, गोवा या फिर पंजाब। दिनेश जी नमस्कार, तो अगौड़ा फोर्ट कहां पर है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, गोवा या फिर पंजाब। तो यहां पर आंसर आ रहा है बी, लोग सी भी कह रहे हैं इसका आंसर, तो यहां पर बी और सी ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं।
तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो सही जवाब है वो है सी गोवा। तो अगोड़ा फोर्ट जो है वो गोवा में है दोस्तों। तो आज हमने देखा दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स और फोर्ट्स की हमने बात की। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स, तो बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स पूछे जाते हैं, किले फोर्ट्स पूछे जाते हैं, एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, इस तरह की चीजें हमारे एग्जाम में आती हैं। हमें स्पेशल ध्यान देना है इन चीजों पर। और बहुत जल्दी 4 बजे मैं आपको फिर मिलूंगा हमारी स्पेशल सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। थैंक यू सो मच।